पिछले साल बहुत कुछ हुआ जिसकी वजह से सभी कंपनियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, पर पिछले ही साल फेस्टिवल सीजन के दौरान वो नुकसान थोड़ा बहुत कवर भी हो गया था। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इस 2021 में सब पहले जैसा ठीक ठाक हो जाएगा। इसे देखते हुए अब ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स अपने नए कार लॉन्चेस पर ध्यान दे रहे हैं। वैसे तो 2020 में बहुत सारी गाड़ियां लॉन्च होने वाली थी और कुछ गाड़ियां लॉन्च हो भी गई थी, पर अब 2021 में बहुत कुछ देखने मिलेगा। 2021 में लगभग हर एक सेगमेंट में गाड़ियां लॉन्च होंगी, तो चलिए 2021 में कौन कौन सी गाड़ियां लॉन्च होंगी ये जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स अपने आने वाले दिनों में 3 नई कार्स को लॉन्च करने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें टाटा ग्रेविटास की, तो टाटा मोटर्स ने टाटा ग्रेविटास को 2020 के ऑटो एक्सपो में अनवील किया था। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट के अंदर टाटा ग्रेविटास टाटा मोटर्स का सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट होने वाला है। ग्रेविटास टाटा हैरियर से इंस्पायर्ड एक 7 सीटर एसयूवी होगी, जिसकी प्राइस लगभग 18 से 23 लाख के बीच में होने वाली है। हैरियर के जैसे ही ग्रेविटास भी लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म से ही इंस्पायर्ड होगी। गाड़ी में 2 लीटर का टर्बो डीजल इंजन मिलेगा। गाड़ी में 4x4 और ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। यही पॉइंट इस गाड़ी का सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट हो सकता है, क्योंकि इस सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में जब कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो लगभग उन गाड़ियों में ऑल व्हील ड्राइव या फिर 4x4 के ऑप्शंस दिए ही जाते हैं, पर टाटा मोटर्स टाटा ग्रेविटास को सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव में ही लॉन्च करेगा। गाड़ी के डिजाइन में वैसे बहुत कुछ बड़े बदलाव नहीं देखने मिलेंगे, सिर्फ गाड़ी की पीछे की प्रोफाइल थोड़ी सी चेंज की जाएगी और साथ ही गाड़ी का व्हील बेस भी थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। टाटा ग्रेविटास में टाटा हैरियर के फीचर्स तो मिलने ही मिलने हैं, इसके बावजूद टाटा ग्रेविटास में और भी कुछ प्रीमियम फीचर्स ऐड किए जाएंगे। टाटा मोटर्स इस 7 सीटर कार को 2021 के मिड में लॉन्च कर सकता है। इंडिया के अंदर अभी बहुत सारे लोग HBX का ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि टाटा मोटर्स की स्टाइलिश SUV सबसे कम कीमत में लॉन्च होने वाली है। टाटा HBX को ऑटो एक्सपो में रिवील किया गया था, जहां पर इस गाड़ी ने सारे लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। HBX टाटा की सबसे छोटी SUV होने के साथ साथ सबसे कम बजट वाली SUV भी होने वाली है। गाड़ी की प्राइसेस लगभग 4.9 लाख से स्टार्ट होंगी। साथ ही इस गाड़ी में टाटा अल्ट्रोज और टियागो का ही 1.2 लीटर रिवोटर्न पेट्रोल इंजन मिल जाएगा। पर यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि टाटा मोटर्स इस गाड़ी को ऑटोमेटिक में लॉन्च करता है या फिर नहीं, क्योंकि टाटा मोटर्स ने सबसे बड़ी गलती टाटा हैरियर और टाटा अल्ट्रोज के साथ की थी, जिसकी वजह से इन गाड़ियों की शुरुआती सेल्स फिगर बहुत ही कम रही थी। ऐसी गलती अगर टाटा मोटर्स HBX के साथ करता है तो इसका भारी नुकसान उन्हें भुगतना पड़ सकता है। टाटा मोटर्स की और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की क्या दुश्मनी है वो तो भगवान ही जाने। गाड़ी अल्फा ARC प्लेटफॉर्म पर आधारित होगी। बात करें अगर टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक कारों की, तो टाटा मोटर्स भविष्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की एक बड़ी रेंज लाने की तैयारियां कर रहा है। आने वाले दिनों में टाटा मोटर्स का सारा फोकस इलेक्ट्रिक कारों पर होगा। अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक अल्ट्रोज का इलेक्ट्रिक वेरिएंट होगा। अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक को 2020 के ऑटो एक्सपो में अनवील किया गया था। ये उम्मीद की जा रही है कि टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक से कम प्राइसेस में इस गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा। गाड़ी में वही अल्ट्रोज के सभी फीचर्स मिल जाएंगे। एक बार फुल चार्ज करने के बाद अल्ट्रोज इलेक्ट्रिक 250 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है। टाटा मोटर्स इस इलेक्ट्रिक कार को 2021 के एंड में लॉन्च कर सकता है। महिंद्रा की अगर बात करें, तो महिंद्रा KUV 100 को इंडिया में लॉन्च करेगा। KUV 100 की बात करें तो महिंद्रा की ये मिनी SUV है, जो हाल फिलहाल 1.2 लीटर पेट्रोल में मिल पाती है। इस गाड़ी में पहले डीजल भी मिल पाता था, वहीं पर KUV 100 का इलेक्ट्रिक वेरिएंट होगा, जिसे ऑटो एक्सपो में अनवील किया गया था। KUV 100 में 15.9 किलोवाट की मोटर लगी हुई है। साथ ही ये गाड़ी सिंगल चार्ज में 150 किलोमीटर तक आसानी से चल सकती है। रेगुलर चार्जर से इस गाड़ी को चार्ज होने में तकरीबन 6 घंटे लग सकते हैं। महिंद्रा वाले अंडर 10 लाख रुपीज में इस गाड़ी को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद इसी साल महिंद्रा वाले XUV 300 का इलेक्ट्रिक वेरियंट भी मार्केट में उतार सकते हैं, जिसे 2020 के ऑटो एक्सपो में अनवील किया गया था। अगर मारुति की बात करें, तो काफी लंबे समय से मारुति की गाड़ियों में मेजर अपडेट्स नहीं देखने मिले, जिसकी वजह से अब मारुति वाले अपनी कुछ गाड़ियों को अपडेट करने के बारे में सोच रहे हैं। उसमें से ही पहली सेलेरियो 2014 में लॉन्च हुई थी,
और तब से लेकर 2020 तक इसको कोई भी मेजर अपडेट और फेसलिफ्ट नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से इस गाड़ी की सेल्स फिगर काफ़ी नीचे गिर गई थी। अब इसी सेल्स फिगर को बढ़ाने के लिए मारुति वाले सेलेरियो की नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च करने वाले हैं। इस नेक्स्ट जनरेशन सेलेरियो के डिज़ाइन और इंजन में बहुत बड़े बदलाव किए जाएंगे। साथ ही इसे नए हर्टटेक प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जिस पर एस्प्रेसो, स्विफ्ट और वैगनर जैसी गाड़ियाँ बनी हैं। तो उम्मीद तो यही है कि इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी भी मारुति के बाकी गाड़ियों की जैसे ही होगी। गाड़ी में 1 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल मिलेगा। गाड़ी की प्राइसेस लगभग 4.5 से लेकर 6 लाख के बीच में हो सकती है। बात करें मारुति के दूसरे गाड़ी की, तो शायद मारुति वाले XL5 इस कार को लॉन्च कर सकते हैं। XL5 वैगनर का अपग्रेडेड मॉडल होगा। XL5 के सामने का डिजाइन वैगनर से बिल्कुल डिफरेंट होगा, पर पीछे का लुक वैगनर से ही इंस्पायर्ड होगा। गाड़ी में इग्निस के ही 15 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। इस गाड़ी को लेकर मारुति वालों ने बहुत कुछ नहीं बताया है, पर ऐसी उम्मीद है कि मारुति वाले इस कार को इंडिया में जल्द ही अनवील करेंगे। अगर बात करें अल्टो की, तो मारुति वाले अपनी मोस्ट पॉपुलर कार अल्टो 800 के नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करने वाले हैं। इस गाड़ी को काफ़ी लंबे समय से कुछ भी अपडेट्स नहीं दिए गए हैं। अब गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में काफ़ी कुछ बदलाव देखने मिलेंगे, जहां पर कुछ नए फीचर्स ऐड किए जाएंगे। इस गाड़ी को लेकर भी मारुति वालों ने साफ साफ अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। हुंडई मोटर्स ने पिछले साल बहुत कुछ लॉन्च किया था, वैसे ही 2021 में हुंडई वाले भी अपनी नई कारों को लॉन्च करने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें कि अगर बात करें AX1 की, तो हुंडई की ये मिनी एसयूवी होगी, जिसका कोड नेम AX1 रखा गया है। ये गाड़ी वेन्यू के निचले सेगमेंट की गाड़ी होगी, जो KUV 1W एस्प्रेसो इग्निस जैसी गाड़ियों को कॉम्पिटिशन देगी। साथ ही ये गाड़ी सेंट्रो के K1 प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएगी। गाड़ी में 1.2 लीटर पेट्रोल मिलेगा, जो i10 नियोस और अभी लॉन्च हुई i20 में मिल पाता है। गाड़ी की एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइसेस 5.5 लाख से लेकर 8.5 लाख तक हो सकती है। हुंडई मोटर्स इंडियन लिमिटेड ने हाल ही में अल्काजर ये ट्रेडमार्क बनाया है, जो इस बात को बढ़ावा देता है कि ये ट्रेडमार्क 7 सीटर क्रेटा के लिए ही होगा, जिसका डिज़ाइन चीन में बेची जाने वाली iX25 पर आधारित है। यही डिज़ाइन हमें 7 सीटर क्रेटा में भी देखने मिलेगा। हालांकि इसमें रीडिजाइंड बम्पर्स, रियर टेल लैम्प्स और ग्रिल में छोटे मोटे बदलाव किए जाएंगे, और साथ ही इस गाड़ी के व्हील बेस को भी बढ़ाया जाएगा। गाड़ी में क्रेटा के ही सारे फीचर्स मिलेंगे, साथ ही गाड़ी में क्रेटा के ही सारे इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाएंगे। एमजी मोटर्स की बात करें, तो एमजी मोटर्स MG ZS इस एसयूवी को लॉन्च करेगा। वैसे तो एमजी मोटर्स ने MG ZS इलेक्ट्रिक को 2020 के शुरुआत में लॉन्च किया था, वैसे ही ठीक एमजी मोटर्स MG ZS को पेट्रोल वेरिएंट में लॉन्च करेंगे। गाड़ी में 1.5 लीटर नेचुरल एस्पायर्ड पेट्रोल, 1.3 लीटर टर्बो GDI के इंजन ऑप्शंस ऑफर किए जाएंगे। इस गाड़ी को कई बार टेस्ट देते वक्त पाया गया है। गाड़ी की एक शोरूम प्राइसेस लगभग 10-16 लाख के बीच में होने वाली है। हाल ही में रेनॉल्ट वालों ने काइगर या फिर किंगर, जो भी आप बोलना चाहें, इस कार के कंसेप्ट को रिवील किया। ये कार एक सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUV होगी। इस गाड़ी को CMFT A+ प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा, जो स्पेसियस केबिन और नए टर्बो पेट्रोल इंजन का दावा करता है। निसान मोटर्स और रेनॉल्ट वाले दोनों मिलकर इस गाड़ी को बनाने वाले हैं, जिसकी वजह से फीचर्स, इंजन ऑप्शन के मामले में ये गाड़ी मैग्नेट से मिलती जुलती होने वाली है। गाड़ी की एक शोरूम प्राइसेस लगभग 5.5 लाख से स्टार्ट होंगी। इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट आगामी ऑटोमोटिव ब्रांड्स के लिए नया हॉटस्पॉट बन चुका है। MG और किया ने इंडिया में एंट्री मारते ही सफलता हासिल कर ली। आने वाले दिनों में ऐसे ही बहुत सारे ब्रांड्स इंडिया के अंदर आने वाले हैं, उसमें से ही एक सिट्रोन। सिट्रोन एक फ्रेंच ऑटोमेकर है, जो इंडिया के अंदर अपनी पहली SUV C5 एयरक्रॉस को लॉन्च करने वाला है। इस गाड़ी में 2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। स्कोडा मोटर्स इंडिया के अंदर अपना मार्केट बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। स्कोडा हॉट सेगमेंट में, यानी कि सब 4 मीटर कॉम्पैक्ट SUVs के सेगमेंट में अपनी नई कार स्कोडा विजन को लॉन्च करने वाले हैं। स्कोडा विजन, यही इस गाड़ी का कोड नेम है। स्कोडा वालों ने इस गाड़ी के नाम को अभी तक रिवील नहीं किया है। इसके कंसेप्ट को एटेक्सो में अनवील किया गया था।
गाड़ी में 1.5 लीटर TSI टर्बोचार्जर पेट्रोल पाएगा। साथ ही गाड़ी में 7 स्पीड DSG ट्रांसमिशन देखने मिलेगा। परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी बेस्ट इन सेगमेंट होने वाली है। साथ ही गाड़ी में प्रीमियम फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। गाड़ी की एक्सपेक्टेड शोरूम प्राइसेस लगभग 10 लाख से स्टार्ट होंगी। इसी के साथ स्कोडा वाले ऑक्टाविया के नेक्स्ट जनरेशन को लॉन्च करने वाली है। साथ ही स्कोडा रैपिड और वेंटो की नेक्स्ट जनरेशन भी इंडिया में लॉन्च हो सकती है। पूरे 2021 में सिर्फ एक से दो ही सेडान्स लॉन्च होंगी, वो भी कब लॉन्च होंगी ये पता नहीं। जीप की अगर बात करें तो जीप मोटर्स 7 सीटर जीप कंपास को लॉन्च करने की तैयारियां कर रहा है। जीप कंपास तो लॉन्च होते से ही पॉपुलर हो गई थी, वैसे ही अब जीप कंपास को 7 सीटर में लॉन्च किया जाएगा। सिर्फ इसके नाम में चेंजेस किए जाएंगे, साथ ही गाड़ी का व्हील बेस और भी बढ़ाया जाएगा। गाड़ी के डिजाइन जीप कंपास के ही होंगे, सिर्फ इसके रियर प्रोफाइल में कुछ बदलाव किए जाएंगे। गाड़ी में और भी कुछ प्रीमियम फीचर्स ऐड किए जाने की संभावना है, जिसकी वजह से ये 7 सीटर जीप कंपास से भी प्रीमियम हो सकती है। गाड़ी में ऑल व्हील ड्राइव के ऑप्शंस भी ऑफर किए जाएंगे, तो 2021 में भी SUVs का माहौल ही बना रहेगा। SUVs के बढ़ते हुए डिमांड की वजह से हैचबैक्स और सेडंस के सेगमेंट में बहुत कुछ गाड़ियां लॉन्च नहीं हो सकती। और कौन सी गाड़ियां 2021 में लॉन्च हो सकती है ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो आज के वीडियो में तो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।